तुम कहो गुरु जी जब से भक्ति कर रहे तब से तो और ज्यादा लफड़े बढ़ गए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पहले ठीक थे, अब जब से पूजा पाठ कर रहे ज्यादा मामला गड़बड़ हो गए। अरे भाई, जो शेर लंबी छलांग लगाता है वो पहले चार कदम पीछे जाता है तभी तो लंबी छलांग लगा पाता है। दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। ऐसे समझो, एक बार एक आदमी सिरसा का गांव में रहता था, बगल के गांव में, जो 10 किलोमीटर था। उसने एक आदमी से पूछा, रेलवे स्टेशन जाना है, कितने बज गए? बोले 10:10। ट्रेन कितने बजे मिलेगी? 10:20 पे। तो उसने कहा 10 किलोमीटर कैसे जाएंगे, पहुंचना बहुत मुश्किल है, 10 मिनट बचे हैं, एक मिनट में 1 किलोमीटर जा पाना मुश्किल है। तो उसने कहा, भैया कोई शॉर्ट रास्ता है कि हम जल्दी पहुंच जाएं? उसने इतना बोला ही था कि जिससे पूछा था उसके बगल में भारी कुत्ता खड़ा हुआ था। उसने कहा, उच्छू हा कुत्ता पीछे वो आगे, दे दौड़ दे दौड़ दे दौड़। इतनी बगल के 10 मिनट की जगह 8 ही मिनट में स्टेशन पे पहुंच गए, 8 मिनट में पहुंच गए। जब पहुंचे तब 2 मिनट बाकी थे, ट्रेन आने में बाकी। लंबी लंबी सांस ली, इतना आनंद आया उस दिन, इतना आनंद आया, पहली बार आया। मनी मन गाली बके के उसे शर्म नहीं आई, कम से कम बता तो देते कि कुत्ता पीछे लगा रहे। पर विचार करो, कुत्ता पीछे ना लगाते तो क्या वो पहुंच पाते? अच्छा एक और, श्वास का मतलब उन्हें तब पता लगा जब बीच में श्वास रुक रुक गई। उसी प्रकार जिंदगी में सुख का पता तभी लगता है जब जिंदगी में दुख को झेल लिया जाता है। रोटियों का स्वाद मीठा होता है या कैसा होता है, इसका मतलब तो कोई भूखा ही बता सकता है। पेट भरे हुए लोगों को स्वाद नहीं मिलता है, वो तो केवल पेट भरते रहते हैं, वो तो जगह जगह थोड़ी थोड़ी अलग अलग प्रकार की डिश का चसना लेते हैं। स्वाद का पता तो रोटी मीठी है या कैसी है, उसका पता तो कोई भूखा या गरीब बता सकता है। तो दुख आवे तो घबराना नहीं, ये समझना। देखो ऐसे समझो, तुम मिठाई किस किस ने खाई? हाँ हाथ नीचे कर लो। अब एक प्रयोग करना घर जाके, पहले 3-4 मिठाई खाना फिर चाय पीना, तुम्हें फीकी लगेगी। हाँ जी या ना जी? मिठाई खाकर चाय तुमको फीकी लगेगी। ऐसे ही जिंदगी में अगर सुख रहेगा और हनुमान जी की कृपा से सुख मिलेगा तो सुख फीका लगेगा। अगर तुम्हें दुख आए तो घबराना मत, सुख का मीठापन तुमको हनुमान जी की कृपा से पता लगेगा। इसीलिए हनुमान जी कैसे हैं, सब सुख लहे तुम रक्षक। अच्छा आप कहोगे कि आप हनुमान जी की भक्ति क्यों कह रहे? इस चौपाई में एक खास बात है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। साहब सुख मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुख का टिका रहना बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों को पद तो मिल जाता है पर पद टिकता नहीं, और जितने भी पद पर बैठे हुए लोग हैं अगर उनके दिल को पढ़ा जाए या सीटी स्कैन की जाए तो एक बात कॉमन मिलेगी, वो ये मिलेगी कि उन्हें यही डर है कहीं हमारा पद चला ना जाए। एक ही डर है, कॉमन बात है, किसी फाइल में फंस ना जाए, हमारा पद चला ना जाए, कद घट ना जाए और पद हट ना जाए। एक ही डर सबके अंदर बना रहता। मेरे पागलो, हनुमान जी की इस चौपाई में बहुत गजब की बात है। हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी कहते, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, लेकिन हनुमान जी की शरणागति से होगा क्या? बोले तुम रक्षक, हनुमान जी रक्षक हैं, तो कद और पद हटने की चिंता भी नहीं करना, क्योंकि हनुमान जी जब रक्षा करेंगे तो कद और पद हट भी नहीं पाएगा। ये है, जैसे हनुमान जी ने किसको पद दिलवाया? आहा आहा, क्या गजब की पंक्ति है। तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, भाई क्या लंकेश्वर भय
हनुमान जी का मंत्र किसने माना? बोलो, जोर से बोलो। विभीषण जब लंका के राजा बने तो हनुमान जी ने कहा कि चिंता मत करो, राजा बनोगे। विभीषण बोले कितने दिन के लिए? हनुमान जी बोले एक कल्प तक के लिए। विभीषण बोले बुरा ना माने तो एक बात बोले, बोलो हमारा भाई भी राजा है लेकिन उसको छुड़वा करके तुम हमें राजा बनाना चाह रहे, कल के दिन कहीं ऐसा ना हो हमसे बेहतरीन मिल जाए उसको राजा बना दो। तब हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम हैं और जब तक हम हैं तब तक तुम ही राजा रहोगे। ये हनुमान जी का स्वभाव है। क्या? हनुमान जी की कृपा से मिला हुआ सुख चिंता नहीं है, इसलिए हनुमान जी की भक्ति करना आवश्यक है। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का श्री राम। जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम। दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम। इसलिए हनुमान जी की भक्ति बड़ी अद्भुत है। हनुमान जी की भक्ति करने वाले साधक को सब सुख मिलते हैं, पर सब सुख के साथ साथ हनुमान जी की तरफ से जो हनुमान जी की भक्ति करता मिलने वाली सुख और सुविधाओं और साधनों की उन्हें चिंता नहीं करनी पड़ती, उनकी रक्षा स्वयं श्री अंजना नंदन वीर बजरंग बली करते हैं।